बादल भाप से बनते हैं, इसलिए बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बेहद बारीक कणों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होती है। जब हवा और इन जल कणों के बीच फ्रिक्शन होता है तो इस फ्रिक्शन से वाटर पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वे आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण बेहद उच्च शक्ति की इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। रोशनी की इसी तेज चमक को हम बिजली का चमकना कहते हैं। आकाश में यह चमक अक्सर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है, जिसके कारण बादलों की गरज हम तक देर से पहुंचती है। हालांकि दुनिया भर में हर सेकंड 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। ये सभी बिजली जमीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बिजली बादलों से बादलों पर ही गिर जाती है। क्योंकि आकाश में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले बादल होते हैं, इसलिए यह चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और जब यह चार्ज आपस में टकराते हैं तब बादलों में बिजली का निर्माण हो जाता है। लेकिन बादलों से बिजली नीचे क्यों और कैसे गिरती है? बादलों से जमीन पर बिजली गिरने के दो प्रकार होते हैं, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव लाइटिंग का एग्जांपल आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रही इस महिला के सर के बाल बिल्कुल सीधे खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिजली गिरने के ठीक नीचे खड़े हैं, इसलिए इनके सर के बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। धरती के नजदीक के बादलों में नेगेटिव चार्ज होता है और धरती की सतह में पहले से ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसे में बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज जमीन में मौजूद सभी नेगेटिव चार्ज को अपनी जगह से हटा देते हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे दो मैग्नेट के सेम पॉइंट को आपस में पास लाने पर होता है। ऐसा होने पर जमीन पर कोई भी चीज जैसे मिट्टी, पेड़, जानवर या इंसान सभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो पे गौर किया हो तो इस महिला के बाल तभी नीचे गिरे जब इसके आसपास कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुई। यह नेचर का आपको चेतावनी देने का आखिरी तरीका है कि बहुत जल्द आपके ऊपर या आपके आसपास कहीं बिजली गिरने वाली है। भले ही इन सब ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया हो, लेकिन ये इनकी किस्मत ही है कि बिजली इनके ऊपर नहीं गिरी, नहीं तो परिणाम इन दोनों की तरह घातक साबित होता। हालांकि नेगेटिव लाइटिंग बहुत खतरनाक होती है, परंतु अगर कहीं पॉजिटिव लाइटिंग गिरती है तो वह 5 गुना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है। यह बिजली अक्सर तूफान के सबसे ऊपरी हिस्से में बनती है और तभी गिरती है जब कोई हवा का तेज झोंका सभी नेगेटिव चार्ज बादलों को हटा दे या फिर सारा नेगेटिव चार्ज बादलों से खत्म हो जाए। ऐसे में पॉजिटिव लाइटिंग जमीन के उस हिस्से पे गिर जाती है जहाँ नेगेटिव चार्ज बना होता है। यानी अगर पॉजिटिव लाइटिंग को 300 किलोमीटर कहीं दूर नेगेटिव चार्ज का क्षेत्र मिलता है तो वह वहां जाकर गिरेगी। फिर चाहे बारिश ना हो रही हो और बादल भी ना हो, तब भी आप बिजली से सुरक्षित नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 2007 का ओक्लाहोमा लाइटिंग स्ट्राइक का है, जहां लगभग 321 किलोमीटर लंबी लाइटिंग स्ट्राइक हुई थी। हालांकि ये लाइटिंग स्ट्राइक बादलों से बादलों में ही हुई थी, फिर भी साफ साफ देखा जा सकता है कि इस बिजली ने बादलों के बीच से रास्ता ना बनाकर बादलों के नीचे से एक टारगेटेड रास्ता बनाया, जो कि बेहद ही अद्भुत था। इससे पहले यही समझा जाता था कि पॉजिटिव लाइटिंग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही गिर सकती है। यह तो बात रही बिजली के बनने और चमकने की, लेकिन बिजली कड़कती क्यों है? शायद आपको ये जानकारी ना हो कि बादलों में बिजली का अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता। जब बिजली हवा से होकर गुजरती है तब हवा में गर्मी आने से हवा अत्यधिक तेजी से फैलती है और इसके लाखों अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है, जिसको हम बिजली का कड़कना कहते हैं। वास्तव में बिजली हवा को 50,000 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म कर सकती है, जो कि सूरज की सतह से 5 गुना अधिक गर्म है। चलिए कुछ ऐसी बातों पर नजर डाल लेते हैं जिससे कि आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। अमेरिकी राज्य यूटा, 1939 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। इन सभी भेड़ों की मौत का जिम्मेदार पॉजिटिव लाइटिंग ही थी, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव लाइटिंग में ही इतनी सारी भेड़ों को मारने का करंट हो सकता है। दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। एक आसमानी बिजली में इतना करंट होता है कि आप 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा भी होती है कि आप एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेक सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना अधिक होती है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाजों पर भी बिजली गिरती है। 8 दिसंबर 1983, पैन एम फ्लाइट 214 बिजली गिरने से इसके फ्यूल टैंक में आग लग गई थी और एक जोरदार विस्फोट के साथ इसमें बैठे सभी 81 यात्रियों की हवा में ही मौत हो गई थी।
लेकिन आजकल के हवाई जहाजों पर आसमानी बिजली गिरने से इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है।